हमने अपनी पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से भाग दौड़ करके ये कार्यक्रम को सफल बना के जो इतिहास दिल्ली के इतिहास में पहली बार बनाया है, उसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा, ये जो बच्चों को आप यहाँ लाए हैं, इन्हें घर ले जाके बैठा मत देना, इन्हें हमेशा अपना इतिहास, अपना गौरव, अपनी शानदार विरासत के बारे में हमेशा बताना। अगर आप ऐसा कर पाओगे तो आने वाले समय में इन्हीं बच्चों में से हमें बाबा साहब मिलेंगे, इन्हीं बच्चों में से हमें मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर मिलेंगे, इन्हीं बच्चों में से हमें बड़े बड़े शांति स्वरूप भटनागर जैसे वैज्ञानिक मिलेंगे। तो ये माँ बाप का फर्ज है, माँ बाप का फर्ज है कि वो साहित्य पढ़ें और बच्चों के दिमाग में वो सारे संस्कार डालें। और जो कार्यक्रम ये हुआ है, आप गांठ बांध लें, आज जब कभी भी आप कोई दान दें, कोई मेहनत करें, तो फर्जी संस्था के नाम पर नहीं, असली संस्था के नाम पर करें, जैसे कि आज आपने करके दिखाया है। मैं इन शब्दों के साथ एक छोटी सी सूचना शेयर करना चाहता हूँ। ठीक 28 दिन बाद 11 तारीख को मार्च महीने में संडे का दिन है, दौसा में बहुत बड़ा एक आलीशान कार्यक्रम जीतो बरी शाम संविधान के नाम दौसा में आयोजित होने जा रहा है। जो उसमें आएंगे उनका धन्यवाद है, और नहीं भी आएंगे तो वहां जाने वालों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जरा जोर से बोल के दिखाओ, जय भीम, जय भीम।